बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एसएलएसियन, वेलकम टू सेवेंथ इस्लामिक क्लास। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज जो है हमने बाब सोम यानी यूनिट थ्री, बाब सोम में सीरत तैयबा में से हमारे पास जो आज टॉपिक है उसमें गज़वा हुनैन के बारे में आज हमने पढ़ना है। गज़वा हुनैन पेज नंबर है 33। गज़वा हुनैन, हुनैन जो है मक्का मुकर्रमा 40 किलोमीटर के फासले पर ये एक वादी है। यहाँ पर मौजूद कबीले, दो कबीले हैं, हवाजन और सकीफ हैं। ठीक है, अपने आप को वो बहुत ज्यादा वो ताकतवर बहादुर समझते थे। इनका वो इस्लाम का गलबा जो है पसंद नहीं करते थे। इन दो कबाइल के साथ दीगर कबाइल के लोग भी शामिल थे। इसी तरह जब वो मक्का फतह हुआ तो ये कबीला जो है बजाय इस्लाम कबूल करने के मक्का मुकर्रमा पर इन्होंने हमले की तैयारियां को शुरू कर तैयारी करने लगे। इसी तरह बनू हवाजन का जो सरदार है, बनू हवाजन का सरदार ठीक है मालिक बिन ओ, तमाम कबाइल के माल उसने मवेशी बच्चे दाने जंग में साथ ले जाना जो है वो साथ ले आया। इन कबाइल के जंगजू जो है मर्दानगी से लड़े। ये तमाम कबाइल वादी उतास में खेमा जानू, यहाँ पर उन्होंने खेमे बना लिए थे, यहाँ पर रहने लगे। इसी तरह उतास की वादी जो हुनैन के करीब है, इसलिए इसको वादी हुनैन कहते हैं। आगे जो हमारे पास इस्लामी लश्कर की हुनैन की तरफ पेशकदमी थी, ये 6 शवाल 8 हिजरी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से रवाना हुए थे। 12,000 अफराद का लश्कर आपके साथ। इसी तरह जो है आगे जो है ये बता रहे कि 10,000 जो फतह मक्का के लिए आप सल्लम के अमरा तशरीफ है। ये बच्चों इसकी जो है आपने अच्छी तरह रीडिंग करनी है। आगे हमारे पास पेज 34 आ रहा है, ठीक है। इसमें दुश्मन की वाज़ेह शिकस्त है। ये बता रहे हैं कि दुश्मन को बनु सकीर के जो इसमें 70 आदमी मारे गए थे, उनके माल हथियार खवातीन बच्चे मुसलमानों के हाथ क्या हो गए, बतौरे माल गनीमत आ गए। और आगे जो है हमें इससे क्या सबक मिलता है गज़वे हुनैन से, हमारी ज़ाहिरी असबाब पर फख्र नहीं करना चाहिए बल्कि हर हाल में अल्लाह ताला से मदद तलब करनी चाहिए। इसी तरह हर हालत में सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर हमें भरोसा और तवक्कुल करना चाहिए। ये जो है आज गज़वे हुनैन के बारे में हमने पढ़ा है, इसको अच्छी तरह आपने रीडिंग करनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अच्छी तरह जब आपकी रीडिंग होगी तो इसके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, ये आपने बुक के ऊपर कुछ जो है हल कर, ठीक है बच्चों। अब आप अपनी नोटबुक ओपन कर लें। ऊपर आपने लिखना है सबक, गज़वे हुनैन हेडिंग देनी है, गज़वे हुनैन। फिर सवाल नंबर 1, तफसीली जवाब लिखें, कबीला हवा बनु हवाजन के सरदार ने इस्लामी लश्कर से जंग लड़ने के लिए किस तरह तैयारी की। बनु हवाजन जवाब, बनु हवाजन का सरदार मालिक बिन औफ तमाम कबाइल के माल मवेशी बच्चे और खवातीन भी मैदान जंग में साथ ले आया ताकि इन कबाइल के जंगजू मर्दानगी से लड़ें। यह तमाम कबाइल वादी उतास में खैमाजन हुए। उतास की वादी हुनैन के करीब वाक़िअ है। अब दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, गज़वे हुनैन की इब्तदा में मुसलमान क्यों पसपा हुए। जवाब, 6 शवाल 8 हिजरी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से रवाना हुए, 12,000 अफराद का लश्कर आपके साथ था, 10,000 जो फतह मक्का के लिए आपके हमरा तशरीफ लाए और 2,000 मक्का के लोग जिनमें अक्सरियत मुसलमों की, मुसलमानों में से बाज लोगों ने लश्कर की कसरत देखकर कहा कि आज हम हरगिज जो है मगलूब नहीं हो सकते। ये बात रसूल पाक सल्लम पर ग्रां गुजरी। अब हमारे पास जो है सवाल नंबर 3 है, गज़वे हुनैन में रसूल पाक सल्लम की शुजाहत का हाल बयान करें। जवाब, इस शदीद भगदड़ में भी रसूल पाक सल्लम इस्तकामत का पहाड़ बने रहे। आस सल्लम का रुख कुफार की जानिब था और आस सल्लम आगे बढ़ते हुए फरमा रहे थे, नीचे तर्जमे की हेडिंग देनी है, मैं नबी हूं ये झूठ नहीं,
मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूँ। फिर नीचे लिखना है, आप सल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास को हुक्म दिया वो सहाबा को बुलाए। हजरत अब्बास की आवाज बहुत बुलंद थी, हजरत अब्बास ने आवाज दी, बैते रिजवान वालो कहाँ हो? ये आवाज सुनकर तमाम मुसलमान वापस मुड़े और लड़ाई शुरू हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुट्ठी भर मट्टी लेकर दुश्मन की तरफ बड़े और फेंकी। ये मट्टी इस तरह फेंकी कि कोई दुश्मन ऐसा ना था जिसकी आंख इससे भर ना गई हो। इस तरह दुश्मन की कुवत टूटती चली गई। सवाल नंबर 4, ग़ज़वे हुनैन से हमें क्या सबक मिलता है? इसका जवाब लिखें, ग़ज़वे हुनैन से हमें ये सबक मिलता है कि हमें ज़ाहिरी असबाब पर फख्र नहीं करना चाहिए बल्कि हर हाल में अल्लाह ताला से मदद तलब करनी चाहिए। शुजात और बहादुरी के साथ मैदान में उतरना चाहिए। हर हालत में सिर्फ अल्लाह ताला की जात पर भरोसा और तवक्कल करनी चाहिए। ये हमारे जो तफसीली सवाल थे वो कंप्लीट हुए। अब आपने सवाल नंबर 2 लिखना है, मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1, वादिये हुनैन मक्का मुकरमा से कितनी दूर है? इसका जवाब है, वादिये हुनैन मक्का मुकरमा से 40 किलोमीटर दूर है। मुख्तसर सवालों का दूसरा सवाल नंबर 2 है, उतास की वादी कहाँ है? इसका जवाब लिखें, उतास की वादी हुनैन के करीब है। सवाल नंबर 3, ग़ज़वे हुनैन किस सन हिजरी में पेश आया? इसका जवाब है, ग़ज़वे हुनैन 8 हिजरी में पेश आया। सवाल नंबर 4, हजरत अब्बास ने सहाबा कराम को किन अल्फाज में पुकारा? इसका जवाब लिखें, हजरत अब्बास ने सहाबा कराम को इन अल्फाज में पुकारा, ऐ बैते रिजवान वालो कहाँ हो? अब लास्ट है क्वेश्चन, सवाल नंबर 5, ग़ज़वे हुनैन में बनू हवाज़न के कितने आदमी मारे गए? इसका जवाब लिखें, ग़ज़वे हुनैन में बनू हवाज़न के 70 आदमी मारे गए। ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ग़ज़वे हुनैन के बारे में हम पढ़ रहे थे, इसकी एक्सरसाइज भी मैंने आपको करवा दी है, ठीक है? आपने ये सफाई से काम करना है और इसे अच्छी तरह याद भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।